क्या आपने कभी सोचा है कि देखो अमेरिका जाते हैं चले जाते हैं, जापान जाते हैं चले जाते हैं। चांद पर भी खुदाई का काम शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका चांद पर खुदाई का काम शुरू करे। जाहिर है अमेरिका की नज़र चांद पर मौजूद खनिज पदार्थ पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अंतरिक्ष में उपलब्ध संसाधनों को तलाशने और उसके इस्तेमाल करने का हक रखता है और ऐसा करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की इजाजत की जरूरत भी नहीं समझता है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका अंतरिक्ष में खनन क्यों करना चाहता है और इसके पीछे क्या फायदे हो सकते हैं। उसका सबसे पहला कारण है पृथ्वी के बाहर जीवन। चंद्रमा के खनन से इंसान को अंतरिक्ष में और आगे जाने में मदद मिलेगी। इंसान मंगल तक भी जा सकता है। चंद्रमा आकाशगंगा में एक पेट्रोल स्टेशन का काम कर सकता है क्योंकि इसके पास रॉकेट फ्यूल के जरूरी संसाधन जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध है। अंतरिक्ष में फ्यूल स्टेशन होने का मतलब हुआ कि रॉकेट अंतरिक्ष में ईंधन की चिंता किए बगैर और आगे तक जा सकेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन की समस्या। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है हमने उसे लगभग खत्म कर दिया है। अंतरिक्ष में उपलब्ध खनिज पदार्थों का खनन करके हम इलेक्ट्रिक कारें बना सकते हैं। ये लंबे समय हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। हमें लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों की जरूरत पड़ती है। ये चीन, रूस या फिर कांगो जैसे देशों के मुख्यतः पाया जाता है। इसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तीसरा कारण है अमेरिका और चीन के बीच तनाव। चांद पर खनन करने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की एक वजह ये भी हो सकती है कि दुनिया के दूसरे देशों के खनिजों तक अमेरिका की पहुंच बहुत कम है। अमेरिका इस रेस में पिछड़ चुका है। चीन और रूस जैसे देश आगे हैं। चीन में जिन खनिज पदार्थों का खनन हो रहा है ये दुनिया भर में उपलब्ध है। राष्ट्रपति ट्रंप जैसे लोगों के लिए वाकई लुभाने वाली बात है कि आप वहाँ से खनिज पदार्थ हासिल कर रहे हैं जहाँ चीन जैसे देश नहीं है, जैसे कि अंतरिक्ष। अब बात करते हैं चंद्रमा पे खनन को लेकर क्या रूल बनाए गए हैं। ट्रंप के आदेश से स्पष्ट है कि पर कहा गया है कि अंतरिक्ष में की जा रही अमेरिकी कोशिशों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं लागू होंगे। लेकिन सच तो यह है कि अंतरिक्ष के बाहर इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसे लेकर कानूनी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, न ही इसको लेकर अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं। अब बात करते हैं क्या ये हमारे जीवन काल में संभव है। मौजूदा टेक्नोलॉजी और तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है क्योंकि कई प्राइवेट कंपनियां अब इसमें शामिल है। पहले तो केवल सरकारें ही इसमें पैसा लगाती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों और लोगों की बदौलत और ज्यादा पैसा और बड़ी महत्वाकांक्षाएं इससे जुड़ा हुआ है और हम आने वाले समय में बहुत तेजी से प्रगति देख सकेंगे, जैसे चंद्रमा पर खनिजों की खुदाई, मंगल पर इंसान का जाना। ये बातें हमारे जीवन काल में ही साकार होने वाली हैं। चंद्रमा पर खनन में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे और वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें कितना पैसा और कितना संसाधन खर्च होता है। आपको क्या लगता है नासा ऐसा कब तक करने में सफल होगा? हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।